बहुत ही अच्छी तरह से इसमें ये प्लेन ये भी जाना है। मतलब जब भी वीडियो बनाती हूँ ना कुछ होता है, या फिर मतलब कोई प्लेन हाजिर जाएगा, कोई बाहर लड़ाई होगी, कोई बाइक बहुत स्पीड में लेके जाएगा, मतलब पूरा वीडियो खराब कर देते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ शबनम और स्वागत है आपको मेरी चैनल फिल्म ब्यूटीफुल में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल के बारे में एवरी मंडे और फ्राइडे को। आज मैं अपने से शेयर करने वाली हूँ मीशो हॉल। सो गाइस, ये जो हॉल है मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं इसे बनाऊं, लेकिन बना नहीं पा रही थी। आप लोगों को पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट डाला था कम्युनिटी में कि मेरी हेल्थ जो है ठीक नहीं है, अभी थोड़ा बहुत ठीक हूँ, तो इसकी वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए आज के जो मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने मीशो से बहुत सारा सामान लिया है, बहुत सारा सामान ईद के टाइम पे लिया था, तो मैंने सोचा था कि ईद का हॉल मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अभी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कौन सा मतलब देर हो रहा है। वैसे भी ये दूसरा ईद आ रहा है और बहुत सारा फेस्टिवल आ रहे हैं। मीशो से मैंने जो कुर्ता सेट्स लिए है ना वो बहुत सारा है, तो मैं पार्ट टू पार्ट दिखाऊंगी ताकि ये वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ तो इसकी वजह से। तो चलिए, जो बहुत सारा मुझे मतलब डीएम आया था, हाँ, एक कुर्ता सेट के लिए मैंने एक ईद लुक में ईद का एक मेकअप लुक शेयर किया था, उस टाइम मैंने एक कुर्ता सेट पहना था, उसके बारे में बहुत लोगों ने पूछा था, तो वो कुर्ता सेट है ये। ये जो कुर्ता सेट है ना ये मैंने मीशो से लिया था, आप लोगों को मैंने उस टाइम बताया था कि मैंने मीशो से शॉपिंग किया हुआ है, तो ये वाला कुर्ता सेट मैंने लिया था। इसका जो नेक का डिजाइन है ना, इस तरह की डिजाइन है, जो अंगरखा डिजाइन होते हैं ना इस तरह से टाई करने वाला, उस टाइप का डिजाइन है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, इसमें आगे से कोई ओपन वगैरह नहीं है, बस डिजाइन थोड़ा सा इस तरह की रखा गया है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें गोटा पट्टी का डिजाइन दिया गया है, इसमें लेस लगाया गया है गोटा पट्टी का, जो सिल्वर कलर का गोटा पट्टी होता है उसका डिजाइन है ये। और आपको जो स्लीव मिल रहा है वो 3/4 स्लीव है, और इसमें इस तरह की तीन लाइनें बनी हुई है, और इसमें भी सेम डिजाइन है जो नेक के डिजाइन में है। ये नेक का डिजाइन थोड़ा सा भी टाइप का डिजाइन है, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो कलर है वो है स्काई ब्लू, एक होता है ना लाइट कलर का जो ब्लू कलर है वो है, पता नहीं कैमरे में कौन सा कलर आ रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट करती हूँ ना तो वो उतना अच्छा फोकस नहीं ले पाता है, तो उसकी वजह से। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं, इस यहां से इसका जो अम्ब्रेला है ना, जो घेरा है कमर से, मतलब इस यहां से मतलब स्टार होता है ये, इसका जो घेरा है ना बहुत अच्छा घेरा है। मैं पहन के भी आप लोगों को दिखा दूंगी किस तरह की है ये। और नीचे आपको एकदम लास्ट में आपको इस तरह की पाइपिंग दिखाई देगी, देख सकते हैं, लेकिन अंदर देखिए इसका बॉर्डर भी लगा हुआ है इसके, मतलब ये जो कुर्ता है ना इस तरह से होगा, आपको सिर्फ पाइपिंग ही दिखेगा और इसका जो अंदर मतलब जो है ना बॉर्डर है वो नहीं दिखेगा, सिर्फ पाइपिंग दिखेगा, तो इस तरह की है ये। और पीछे से इसका प्लेन है, कुछ नहीं है, और आपको यहाँ पे एक डोरी मिलती है, इस तरह की डिजाइन है, देख सकते हैं आप लोग, लटकन बने हुए बहुत ही प्यारे प्यारे, दो चार लटकन बने हुए हैं, लेकिन ये टाई करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक डिजाइन के लिए दी गई है, और मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और मेरा जो साइज है ना वो है M, और मुझे ज्यादातर M साइज ही फिट आती है। और तो गाइस, इसके साथ आपको एक पेन भी मिलता है, इस तरह की एक पेन मिलते हैं, सेम कलर की पेन मिलते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको पेन पहनने की जरूरत होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा है। इसके नीचे आप कोई भी प्लाजो भी पहन सकते हैं, आपकी जो कंफर्टेबल प्लाजो वो पहन सकते हैं, या फिर ये वाला भी पहन सकते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं पहना था। तो आपको इसके साथ एक दुपट्टा मिलता है जो बहुत ही ज्यादा प्यारा दुपट्टा है, देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है। दुपट्टा की जो मटेरियल है ना वो एक जॉर्जेट मटेरियल में है, और मतलब एक सॉफ्ट जॉर्जेट जो मटेरियल है ना उस तरह की इसका है, और इसमें आपको इस तरह की लटकन मिलेंगे सारों साइड, मतलब साइड में इस तरह की लटकन बने हुए हैं। और इसकी क्लोथ की जो मटेरियल है वो भी जॉर्जेट में ही है। आपको शायद थोड़ा सा इसमें गर्मी लगे, और जैसे कि मुझे अभी गर्मी लग रही है, और आप देख सकते हैं मतलब
जब वीडियो बनाती हूँ ना इतना सारा ये पहनना पड़ता है तो बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है, ऊपर से फैन भी आपको लगाना नहीं होता है, मतलब वीडियो खराब हो जाएगी, तो इसकी वजह से मैं अभी ऐसा लग रहा है कि गर्मी में मैं तप रही हूँ। तो चलिए कुछ 800 में मिला था ये वाला मीशो से जब मैंने खरीदा था। जितनी भी प्रोडक्ट्स के लिंक होंगे वो लिंक तो नहीं मिलेंगे मीशो पे, आपको कोड मिलेगा, वो सारे कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और साथ ही साथ फोटो भी लगा दूंगी यहाँ या यहाँ कहीं भी, मतलब फोटो लगा दूंगी ड्रेसेस की ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा मिल जाए। ओके गाइस, जो नेक्स्ट मेरे पास कुर्ता सेट है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा सा कुर्ता सेट है, क्योंकि अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आपके मतलब हल्दी के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस ढूंढ रहे ना, ये वाला बेस्ट होगा आप लोगों के लिए, ये परफेक्ट होगा हल्दी के लिए, इतनी खूबसूरत ड्रेस है ना ये। सो गाइस, इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसमें ना प्यारे प्यारे आपको डिजाइन्स बने हुए हैं इस तरह के, एम्ब्रॉयडरी आ गया है इसमें अच्छी तरह से, और इसका जो स्लीव है वो 3/4 स्लीव है, आपको यहाँ तक आ जाएगा, और पीछे का जो कुछ भी नहीं है, डिजाइन वगैरह कुछ नहीं है, पीछे आपको प्लेन ही मिलेगा, इसमें पूरा प्लेन है, आगे से सिर्फ डिजाइन दी गई है, और इसका जो मैटर है ना कॉटन रेयॉन जो मैटर होते ना वो है, बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल है, गर्मियों के लिए बेस्ट है और बहुत ही अच्छी कपड़े है इसकी। और मेरा जो साइज है वो मीडियम साइज का है, इसके साथ आपको एक प्लाजो मिलते हैं, और इस तरह की ये प्लाजो है, ऊपर का प्लेन है, नीचे आपको इस तरह की डिजाइन दी गई है, देख सकते हैं जो कुर्ता के आगे डिजाइन है ना वही डिजाइन आपको प्लाजो में भी मिलेगी, और साथ ही साथ एक इतनी खूबसूरत सा दुपट्टा दी गई है इसमें, बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है इसमें, देख सकते हैं नेट का दुपट्टा है, और इसमें आपको छोटू सा आप देख सकते हैं लेस लगी हुई है इसमें, प्यारा सा लेस है, और इसमें आपको सीक्वेंस का काम किया गया है इसमें, और साथ ही साथ आपको इसमें लटकन की मिल रही है, और बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है, देख सकते हैं ये हल्दी के लिए परफेक्ट है। ये वाला ड्रेस पहन के आपको कोई भी अच्छा सा फ्लावर का ज्वेलरी पहन लीजिए, अच्छा सा मेकअप कर लीजिए, आप हल्दी के लिए रेडी है। ओके ये इसका जो प्राइस है ना वो है 520 रुपीज, ये वाला ड्रेस का जो प्राइस है। सेट है वो भी बहुत ज्यादा प्यारा कुर्ता सेट है, अगर आप कहीं मतलब बाहर कोई ऐसे दरगाह मजार वगैरह जा रहे हैं ना, या फिर कहीं पूजा वगैरह करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है ये, मतलब ये कॉटन में है, ये कॉटन रेयॉन में है, बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है, इस तरह के आपको बटन्स मिलते हैं जो पोटली बने होते हैं ना उस तरह के बटन्स लगे हैं, इस तरह की देख सकते हैं इस तरह की लेस लगी हुई है, और आपको नीचे भी इस तरह की लेस लगी है, और साथ ही साथ इसमें एक प्लाजो भी मिला है, बहुत ही प्यारा सा प्लाजो है, ऊपर का व्हाइट है और नीचे ये जो मैटर है ना जो डिजाइन है वही डिजाइन आपको नीचे भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी मुझे प्लाजो नहीं मिल रहे गाइस, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहे, इसका फोटो मैं लगा दूंगी। इसके साथ आपको रिसीव होगा एक दुपट्टा, मुझे उतना खास नहीं लगा क्योंकि कुर्ता से बहुत ही प्यारा है, कुर्ता और प्लाजो बहुत ही प्यारा है, लेकिन दुपट्टा उसके हिसाब से नहीं है, पता नहीं दुपट्टा क्या सोच के दे दिया, ये जो कुर्ता सेट है ना व्हाइट में है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और दुपट्टा भी व्हाइट में ही है लेकिन उतना ज्यादा प्यारा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है जो आपको बाहर भी कहीं भी मिल जाएंगे, उतना खास नहीं है दुपट्टा, लेकिन आप लेना चाहे तो ले सकते हैं ऐसे गले से लेके या फिर इस तरह से ले सकते, तो इस तरह के आपको एक दुपट्टा रिसीव होगा। तो ये इसका जो प्राइस है 500 कुछ 15 या 20 रुपीज पड़ा था ये भी,
इसका भी प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, जो नेक्स्ट मेरे पास कुर्ता सेट है वो है ये मरून कलर में है, एकदम से जो एकदम डार्क मेरून कलर होता है ना उस कलर में है, और आपको इस तरह की डिजाइन बनी हुई है नेक में, आपको इस तरह की डिजाइन मिल जाएंगे नेक की, देख सकते हैं नेक पे ये वाला डिजाइन है नेक पे, और इसमें आपको 3/4 स्लीव मिलेंगे। सारे ड्रेसेस में ना जितने भी कुर्ता सेट आप लोगों को दिखाए वो सारे कुर्ता में आपको 3/4 स्लीव ही मिल जाएंगे, और इसमें इस तरह की डिजाइन दी गई है, और नीचे का जो है नीचे इस तरह से प्लेन है, और आगे और पीछे दोनों साइड में प्लेन है, और इसका जो साइज है स्मॉल साइज है 36 इसका नंबर है, ये भी रेयॉन में है, और इसके साथ आपको मिलता है एक प्लाजो, इस तरह के कलर का एक प्लाजो मिलता है, ये व्हाइट कलर में प्लाजो है, और इसमें डिजाइन जो बने हुए ना वो मरून कलर का है, मतलब ये कुर्ता है ना इस कुर्ता की जो कलर है वही कलर इसमें भी लगाई गई है, और आपको इस तरह की इलास्टिक दी गई है, आप लोग देख सकते हैं कंफर्टेबल है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कॉटन रेयॉन में है, और ये जो कुर्ता है रेयॉन में है। तो एक सौ जो कुर्ता सेट है मेरे पास वो है ये वाला कुर्ता सेट जो मैं पहने मतलब मैं पहना हूँ ये अभी भी, तो इस तरह की ये कुर्ता सेट है, इसके साथ आपको एक दुपट्टा मिलता है और प्यारा सा एक प्लाजो मिलता है, एक सिंपल कलर का एक प्लाजो मिलता है, और ये है दुपट्टा ये, और ये है इसका कुर्ता। कुर्ता में आप लोग देख सकते हैं इस तरह की आपको गोतापट्टी का काम किया गया है, इसमें एम्ब्रॉयडरी किया गया है, और आगे से इस तरह से बटन दिए गए, कोई काम का नहीं है बटन, सिर्फ डिजाइन का है, खोलने का बिल्कुल भी नहीं है, और गले का डिजाइन कुछ इस तरह की है, और आपको 3/4 स्लीव मिल जाएंगे। इसका जो मटेरियल है वो है कॉटन, और मेरा जो साइज है वो है मीडियम, आपको हर तरह की साइज आपको वहां पे अवेलेबल है, आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग देखेंगे, लेकिन इसका जो कलर अलग कलर नहीं यही कलर है, और इसके साथ एक दुपट्टा भी मिलता है, आप लोगों को वीडियो में दिख जाएगा कि दुपट्टा किस तरह का है, और इसका जो प्राइस है वो है 560 रुपीज कुछ पड़ा था। मैं सारे के सारे जो प्राइसेस होंगी वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। पसंद आया होगा, कैसा लगा ये वाला हॉल देख के मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने मीशो से शॉपिंग किया था, तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, वहां पे आपको रिटर्न और रिफंड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई झंझट नहीं है, आपको अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो आपको आप रिटर्न भी कर सकते हैं, और इसका रिफंड भी आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और आपको हर तरह की मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो आप लोगों को वहां मिल जाएगी, और बहुत ही कम प्राइस में मिलते हैं, जो अलग दूसरे जो ब्रांड्स है मतलब वेबसाइट है उससे कम ही आपको प्राइस मतलब वहां पे करना होता है, बहुत ही कम है, और मीशो एक रीसेलिंग ऐप है तो आप लोग वहां पे बिजनेस भी कर सकते हैं। तो और गाइस, और एक अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ करनी है, मैंने गिव अवे स्टार्ट किया है, लास्ट मैंने जो फर्स्ट गिव अवे किया था उसमें बहुत लोगों ने मुझे बोला कि सेकेंड गिव अवे कब आएंगे, इसकी वजह से मैं अभी फिर से गिव अवे स्टार्ट कर रही हूँ, और इस गिव अवे की आपको इस जो गिव अवे मैंने स्टार्ट किया है वो है 1K to 10K, यानी कि 10 यहाँ पे विनर होंगे, मैंने 10 गिव अवेज रखी है, 10 विनर्स भी होंगे, यानी कि हर
आपकी 1K से 2K होगा तो एक विनर होगा, 2K से 3K होगा तो एक विनर होगा. इस तरह की मैंने 10 गिव अवे रखी है. और जब मेरा 10K कंप्लीट हो जाएगा तब मैं जितने भी मतलब विनर्स होंगे उन सबकी नाम में अनाउंस कर दूंगी. तो गिव अवे स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग जाके पार्टिसिपेट कीजिए. मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया है, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं क्या क्या रूल्स है. और मैं जितने भी रूल्स होंगे वो आज भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए. तो प्लीज गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए और मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रो होने का मौका दीजिए. मुझे हेल्प कीजिए, सपोर्ट और मुझे सपोर्ट कीजिए. आई नो आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं. जितने भी अभी तक मेरे 1K से ज्यादा मेरी फैमिली बन चुकी है और उन सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया. आगे भी इस तरह से सपोर्ट करते जाइए. ओके, आज के लिए इतना ही. फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ. बाय बाय.